Hello everyone. Today let's discuss three points why the stock market is not ideally suited for all kinds of professionals. मतलब ये हर एक के बस की बात नहीं है. Specially retail investors, अगर आपका wherewithal नहीं है, if you don't understand the nitty-gritties of the market, this is a place best avoided for most of the retail investors. That's why retail investors are advised to seek help of registered financial advisors and or consultants and or their own people whom they can trust. Why I say that? There are three points I want all of you to consider jo last year hi market mein enter hue hain, who were sitting home due to the lockdown and maybe you have entered the market thinking that ye cryptocurrency ki tarah aapko paise kama ke dega. This is not running like cryptocurrency. I am here to tell you three factors which make this different. Point number one, pattern recognition. गाइस, स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेम्परमेंट. मोर देन फाइनेंस, मोर देन नंबर्स, मोर देन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, इवन मोर देन हाउ क्विकली यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेम्परमेंट. यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी रॉक सॉलिड काइंड ऑफ मेंटल बैलेंस. बिहेवियरली यू शुड नॉट बी स्वेड अवे बाय टू मच प्रॉफिट, नाइदर बी टू डिप्रेस्ड बाय वन और टू क्वार्टर्स ऑफ पुअर परफॉर्मेंस. तो अगर आपका टेम्परमेंट सही है, देन यू कैन कंट्रोल योर इमोशन एंड देन यू कैन मेक मोर मनी इन द स्टॉक मार्केट्स. पॉइंट नंबर टू, प्राइस वर्सेस वैल्यू का जो डिफरेंस है, यू नो द कोर डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, वो आपको समझ में आते 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 लोगों को 10-15 साल लग जाते हैं. सम पीपल टेक 15 ईयर्स, सम पीपल लर्न द हार्ड वे, बट सम स्टॉक्स कैन बी वैल्यूएबल and multi-baggers even at 6,000 rupees per share, like Naukri.com or like Tata Elxsi or like somebody from specialty chemicals like Deepak Nitrite, which is at 2,400 aspas right now. So kuch cheeze us price pe valuable hai, and some stocks cannot be valuable even if they are at 300-400 rupees. तो इसमें जो मैट्रिक है, अर्निंग्स पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ये सेकंड पॉइंट तो डीप डाउन कोर पॉइंट यही है कि इफ़ यू डोंट हैव अ नैक फॉर फाइनेंशियल मैट्रिक्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ हैंग ऑफ विच स्टॉक टू सिलेक्ट, विच स्टॉक टू इग्नोर. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है आपको मार्केट्स में क्या है, क्या नहीं करना है, वॉट नॉट टू डू. What to ignore in the market is more important than what to do. Because if you can make a stack or make a list ki ye cheeze mujhe nahi karni hai, I have to avoid this, then automatically your path is very clear and then you have to just focus on that path. And that path is your way to wealth creation. So this is point number two, most important. Third point why I say that it's not for all people. Yeah, stock market is not for everyone. Iska third point ye hai, sheer lack of patience. Yeah. आई मीन जस्ट बिकॉज एक डेढ़ साल में इतना क्रेज़ी रिटर्न आपने देखा है, ये हर साल होने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, एवरी ईयर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 15-20% रिटर्न्स कंपाउंडेड, अगर आप कंपाउंडिंग के वजह से यहाँ आए हो, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, देन दिस इज़ द राइट प्लेस. लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैंने 100 रुपये लगाया और वो कल 1,000 रुपये क्यों नहीं हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट द क्रिप्टो मार्केट. यू हैव कम टू द रॉन्ग मार्केट डूड. दिस इज़ नॉट क्रिप्टो करेंसी, दिस इज़ नॉट अ बबल. It's the most logical, result-oriented, practical stock market where stocks go up and down based on quarterly results and other parameters that you have to study. हम लोग को starting से, college के दिनों से, personally it took me 21 years of studying annual reports, pattern recognition, understanding metrics. Luckily I saw 3 bear markets एंड 1 मार्केट क्रैश. तो टोटल 4 साइकिल्स मैंने देखे गिरावट के, तब जाके समझ में आता है कि ये गिरावट एंड द बाउंस बैक हाउ कैन यू पिन पॉइंट. तो उतना पेशेंस नहीं है लोगों के पास कि वो मार्केट स्टडी करें, और इसमें किसी की गलती नहीं है. सी, आई एम नॉट ब्लेमिंग रिटेल इन्वेस्टर्स, देर इज़ नोबडीज फॉल्ट टू इट. यू डोंट हैव द wherewithal, यू डोंट हैव द पेशेंस, सो देन डोंट कम एंड ब्लेम द मार्केट्स. 18,300 पे आपको निफ्टी बुलिश नहीं लग रहा था एंड 16,800 पे आपको निफ्टी बेरिश नहीं लग रहा है, तो आई डोंट थिंक समबडी हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट कि कहाँ उसको पकड़ना है, कहाँ उसको कैसे ट्रैक करना है. तो इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स, नंबर्स, एंड नंबर्स डोंट लाई. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट नंबर्स दैट आई लाइक. सो गाइज, कीप वॉचिंग आर चैनल. अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो वो चैनल पर डाल सकते हैं. आई विल कीप शेयरिंग मोर स्टॉक स्टोरीज विथ यू वेरी सून.
एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द बाउंस बैक इन द मार्केट्स करेंटली. एज ऑलवेज आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.